नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू होम एंड हॉबीज़। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, होम एंड हॉबीज़ में आपको होम से रिलेटेड मिक्स कंटेंट वीकली मिलता ही रहता है, चाहे वो होम डेकोर हो या ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट्स हो या प्रोडक्ट रिव्यूज़। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि एक घर को घर बनाने के लिए जो कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट होती है वो आपको मेरे चैनल पर मिलती है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के रिव्यूज़ आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ जो कि हमारा डेली यूज़ होता है, और वो है रोटी सर्वर। रोटी हम अपने घर में रोज़ाना बनाते ही हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैसरोल्स, या तो उसके नीचे कपड़ा लगाते हैं या फिर हम उसके नीचे पेपर लगाते हैं या फॉइल लगाते हैं। और होता क्या है कि जो ऊपर वाली और नीचे वाली रोटी होती है वो स्टीम होने की वजह से हमेशा गीली हो जाती है, सॉगी हो जाती है। उसी परेशानी से बचने के लिए मैंने ये मंगाया है बोरोसिल ब्रांड का रोटी सर्वर। इससे पहले भी मैं एक अदर ब्रांड का यूज़ कर रही थी रोटी सर्वर, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई थी वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है क्योंकि आपका एक तो ये टाइम एंड एफर्ट बचाता है, क्योंकि आप जब रोटी बनाते हैं उसमें ऊपर और नीचे वाली रोटियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो आपकी मेहनत भी बेकार जाती है, आपकी चपाती भी वेस्ट जाती हैं और ठंडी भी हो जाती हैं। इसी पर्पज़ से मैंने ये मंगाया है, इसी को आज आपको पूरी मैं डिटेल बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये इस तरह के पैकिंग में आया है, मैं आपको जल्दी से खोल के दिखा देती हूँ और इसके बाद में आपकी इसके साथ में डिटेल शेयर कर लूँगी कि किस तरह का इसका रिज़ल्ट रहा। मैं लिंक शेयर कर लूँगी मैं आपका दोनों कैसरोल्स का जो मैं यूज़ कर रही हूँ, अमेज़ॉन का भी और बोरोसिल का भी। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कैपेसिटी अपने अकॉर्डिंग। ये बबल रैप में है, ये इस तरह से पैकिंग में आया है। 4 to 5 पीपल की आपकी फैमिली है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी कैपेसिटी अच्छी है। पूरा स्टेनलेस स्टील का मेन इसका बेस है, कैसरोल है, यहाँ पे इंसुलेटेड बॉडी है स्टेनलेस स्टील में, यहाँ पे आपको जैसे पता चल रहा होगा। डिशवॉशर सेफ नहीं है ये, और जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है वो ये इसकी ट्रे है, जिसकी वजह से आपकी चपाती सॉगी नहीं होती है। वो हम यहाँ पे बेस में लगाते हैं। टफेन ग्लास की ही लिड है जो इसके ऊपर परफेक्ट सेट होती है, और इस तरह से इसका ये कंप्लीट लुक आता है। अब मैं आपको इस प्रोडक्ट के और फीचर्स के बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट है ईजी टू क्लीन, सिंपल डिज़ाइन है तो ईजिली क्लीन हो जाता है, बट इट इज़ नॉट डिश वॉशर सेफ। नेक्स्ट इज़ लाइट वेट, एकदम लाइट वेट है तो किचन से आराम से आप इसको डाइनिंग टेबल पर उठा कर ले जा सकते हैं, और डाइनिंग टेबल पर भी रख के ये बहुत ही प्यारा लगता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी की। स्टेनलेस स्टील की बॉडी है तो अच्छा ड्यूरेबल है। लिड भी टफन ग्लास की बनी है तो ईजिली नहीं टूटेगी, लेकिन ग्लास है तो गिर के टूट ही जाएगा, तो इसलिए ध्यान से हैंडल करें। इससे जो पिछला वाला मैं यूज़ कर रही थी उसका ऑलरेडी मेरा ग्लास लिड टूट गया था, इसीलिए आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। बोरोसिल ब्रांड में इस प्राइस में कोई कैसरोल मिलना एक वैल्यू फॉर मनी ही कहा जाएगा, क्योंकि और ब्रांड्स में भी इसी प्राइस में अवेलेबल हैं तो बोरोसिल की क्वालिटी इज़ ऑलवेज़ बेटर देन अदर ब्रांड्स, तो इसलिए मुझको ये वैल्यू फॉर मनी ही लगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉक फीचर। लॉक फीचर इसमें अवेलेबल नहीं है, और कैसरोल्स के जैसे घुमा के बंद नहीं होता है, उठाकर और रख कर ही आपको इसको बंद करना पड़ेगा, तो बी केयरफुल वाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अभी क्वेश्चन आ जाता है कि रोटी कितनी देर गर्म रहती है, तो अगर आप इसको प्री सीजन कर लेंगे तो रोटी थोड़ी देर इसमें गर्म रहती है, 1-2 घंटे हम बोल सकते हैं, और कितनी बार खुलेगा उस पर डिपेंड करता है। बोरोसिल से पहले मैं ये वाला चपाती सर्वर यूज़ कर रही थी, ये भी मुझे ऑलरेडी 3 साल तो हो गए हैं शायद, एक बार दिवाली पे धनतेरस पे मंगाया था हमने। इसमें ये प्लास्टिक का नीचे ये आता है, ग्रिड आता है, और इस स्टैंड की वजह से ये जो चपाती सर्वर होता है, रोटी के अंदर जो स्टीम होती है, गरम रोटी के अंदर स्टीम होती है, वो नीचे बेस में चली जाती है और हमारी चपाती सौगी नहीं होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बस अभी ये इतना ही बचा है, इसमें एक पार्ट बचा है, यहाँ पे भी
4-5 लगे हुए थे और अब ये सारे टूट चुके हैं। ये भी एक बचा है और लूज़ हो चुका है और थोड़े टाइम बाद में ये टूट जाएगा। उसके बाद में इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। ऑलरेडी जो मैं अभी रोटी बनाती हूँ वो सॉगी होनी शुरू हो गई है। इसी के लिए रिप्लेसमेंट के लिए मैंने ये वाला कैसरोल मंगाया था और इसके रिव्यूज़ आपके साथ में शेयर करे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग होम रिलेटेड कंटेंट के साथ में मैं आपसे मिलती रहती हूँ। नेक्स्ट वीक वापस किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना घर अच्छे से सजाइए। हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय, टेक केयर।